आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मटन राजमा चावल, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसलिए आप हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है शमा फूड किचन्स में, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मटन राजमा। आपने सुना होगा पंजाबी राजमा, वेज राजमा, लेकिन आज हम लेके आए हैं मटन राजमा, जो आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसलिए आप हमारी रेसिपी को एंड तक जरूर देखें। उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 150 ग्राम राजमा। इसको हमने रात भर सोक करके रखा था और अब हम इसको बॉईल करेंगे। और ये हमने ले लिया है 250 ग्राम मटन, ये देखिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मटन राजमा। सबसे पहले हम राजमे को बॉईल करेंगे, तो सबसे पहले हम एक कुकर में राजमे को डाल देंगे। अब हम राजमे में 2 ग्लास पानी डालेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसको बंद कर लेंगे और इसको बॉईल होने को रखेंगे। जब कुकर में एक सीटी आ जाए तो हम इसे लो फ्लेम पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक हमारा राजमा बॉईल होता है, तब तक हम देख लेते हैं मटन के मसाले। सबसे पहले है एक प्याज चॉप किया हुआ इस तरह से, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, और ये है एक चम्मच सौंफ पाउडर। अब हम एक कुकर में मटन को डाल देंगे। मटन को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और इसको थोड़ा चला लेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 2 तेजपात डालेंगे, 1 हरी इलायची डालेंगे। अब हम इसका ढक्कन लगा लेंगे और इसको गैस पे रख लेंगे। इसमें 1 सीटी आने के बाद हम इसे 15 मिनट को लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए, अब 1 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए, अब हमारा मटन रेडी हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब हम अपने मटन का पानी सुखा लेंगे, कुकर को गैस पर रखेंगे और गैस की आंच चालू करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम कुकर के अंदर का जो पानी है मटन का, वो सुखा लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको सुखाएंगे पानी को। ये देखिए, आप देख सकते हैं मटन ने ऑयल छोड़ दिया है और पानी सूख चुका है। अब हम अपने मटन को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अब हमने अपने मटन को एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम चलते हैं राजमे की तरफ। तो ये देखिए, अब हमारा राजमा भी बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। अब हम पैन में ऑयल को डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। अब हम इसके अंदर 2 तेज पत्ते डालेंगे और 1 बड़ी इलायची डालेंगे और 1 छोटी इलायची डालेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज को डाल देंगे। यहाँ पर हमने 1 प्याज बड़ी वाली चॉप करके इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। तो ये देखिए, हमें प्याज को इस तरह अच्छे से चम्मच चलाते हुए सौते कर लेना है। हमें प्याज को यहाँ पर हल्का ब्राउन करना है, ज्यादा सौते नहीं करना है। यहाँ पर हमने बड़ा टमाटर को कट कर लिया है और अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह मिला लेंगे और प्याज को भी और टमाटर को भी, दोनों को अच्छी तरह सौते करेंगे। टमाटर को हमें जब तक पकाना है जब तक वो गल नहीं जाते, इस तरह से हम चलाते रहेंगे चम्मच। तो ये देखिए, अब हमारा टमाटर गल चुका है। अब हम यहाँ पर 4 हरी मिर्चों को इस तरह काट कर डाल देंगे। हमने इन्हें बीच में से काट कर डाला है।
अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस तरह से हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो मटन पकाया था और एक बाउल में कर दिया था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह चम्मच चला लेंगे। अब हमने जो राजमा बॉईल किया था वो इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए, अब हमने राजमा को इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। हमने यहाँ पर गैस की हाई फ्लेम की हुई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनने वाली है, इसलिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। अब जो राजमे का बॉइल किया हुआ पानी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि राजमा का सारा स्वाद उसी में ही होता है और अगर आप उसे फेंक देंगे तो राजमा का स्वाद नहीं आएगा अच्छा। तो यही पानी डालना है इसमें आपको, और कोई दूसरा पानी नहीं डालना है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे ढककर, जितने तक हम अपने चावल को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने बासमती चावल को 1 घंटे के लिए भिगा कर रखा था, अब हम इसको पका लेंगे कुकर में। अब हम इसके अंदर थोड़ा ऑयल डाल देंगे, 2 चम्मच के बराबर हमने इसके अंदर ऑयल डाला है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ खड़े मसाले, 2 तेज़पत्ते और 1-2 चक्री फूल, और ये है जीरा, और 4-5 लौंग, और अब हम इनको इसके अंदर डाल देंगे। हमने इसके अंदर 2 दालचीनी के टुकड़े भी डाले हैं। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने इसके अंदर डाला है वो इसलिए डाला है क्योंकि चावलों में उसकी खुशबू और स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर 1/2 नींबू का रस डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 गिलास चावल भिगाए थे तो इसलिए 1 गिलास पानी ही हम इसके अंदर डालेंगे। जिस गिलास से आपने चावल नापे थे उसी गिलास से आपको पानी डालना है। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब हम इसके अंदर चावलों को डाल देंगे। ये देखिए, अब हमने सारे चावलों को इसके अंदर डाल दिया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने तक पकाएंगे चावलों को हाई फ्लेम पर। ये देखिए, अब 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा राजमा तैयार है। ये देखिए, अब हमारा राजमा रेडी है। अब हम इसको फिनिश करने के लिए इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच होममेड गरम मसाला। तो ये देखिए, अब हमारे चावल रेडी हैं, बन चुके हैं हमारे चावल। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया और खिले खिले बने हैं। अब हम अपने राजमा को सर्व कर लेंगे। अब हम चावलों के अंदर 1 पिंच फूड कलर डालेंगे। कलर से चावलों में बहुत ही अच्छी शाइनिंग आती है। अब हम चावलों को भी इसी तरह सर्व कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, अब हमारे राजमा चावल बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं हमने इनको सर्व कर लिया है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।